आपको फोन कर रहा है, आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस तो हम आपको तलाश दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाश दे रहे हैं। कितना लेके आए थे तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकते हो, आप मर जाएंगे, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तो दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं, इसीलिए बोला नहीं। चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, इसीलिए आपने नहीं बताया। उसकी उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहां थे, ये भी प्रो बता दूं, मुझे पता है कहां कहां गए थे आप लोग, कहां गए थे पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी वो का मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना, आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो, तो आप नंबर रखे हो किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो, आजा पसंद की नहीं है, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोर भी था तो इतने मेरे, अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना हक था तो बोलते हक से। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था, हाँ नहीं है ना, नहीं है, जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना, सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी, अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हूँ कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था, तो आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया, नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला, मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला, वो करीब सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो, कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी, फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है, 4 बार आया मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है, रात को रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ और क्या, जो पता था, अब सोच रही मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस यही सब करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है यार, यही हमको होता है पति का, कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको बताओ, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने दिन कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात की भाई, बात ही नहीं थी, देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे, ब्लॉक कर दोगे, अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे, किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा, आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती, अपनी इच्छाएं दिखाने की जरूरत होती, ब्लॉक करने की जरूरत। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा, हमसे बता रही हूँ, आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो पूछ लेना, चलिए हमको न बताइए जहाँ थी, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ज्योति जी 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है, हाँ
मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या बेशरम हो गया, अच्छा तुम्हें बेशरम हो गया कि ऐसी स्वीकार लिया तो अब क्या है, शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन हो? मैं पति हूँ पति था, पति बने रहा, मर जाओगे मर जाएंगे, मरवा दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाए हो, सहज मांगने से सहज कितना लेके आए थे तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना, तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए चलो, हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए लगा दो अभी ना, नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम सब भी कमा खा लेंगे, शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे साथ नहीं जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी रहेंगे, देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से, आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही, बस ठीक है, ठीक, आप सब सस्ती जा रही है, यहाँ निकालिए तलाक के लिए, आप डालिए, आप बताइए झगड़ा होने से, आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोची होगी तलाक कितना बड़ा फैसला होता है।